हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। तो आप सब कैसे हैं। तो गाइस आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अपना जो चैनल है अभी उसमें जल्दी से ही 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइस फटाफट सभी लोगों को शेयर करके जल्दी से उसे 1 लाख कंप्लीट कर दो। ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है और बाकी आपका सपोर्ट तो बना हुआ है कंटिन्यूसली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो एंड। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। फिजिक्स है चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी इसके पहले पार्ट 3 हमने कंप्लीट किया है अच्छे से विद नोट्स के साथ। ओके सो आगे बढ़ते हैं गाइज। तो यहाँ पे आज आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो और आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ओके और ये क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस जो अपना चल रहा है, आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। मैं हूँ प्रशांत। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं अपने आगे के सेशन की तरफ। गाइज यार आप लोग लाइक नहीं करते वगैरह, लाइक वगैरह कर दिया करो, थोड़ा सा इंथुजियाज्म मिलता है अंदर से, एक्सपेक्टेशन होती है हमारी भी सब कुछ, ठीक है। तो लाइक कर दिया करो अगर आपको पसंद आए, तो नहीं आया तो सजेशन जरूर देना। कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए, एटलीस्ट तुम्हारा सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, हम उससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो गाइज अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा। हमको पोलराइजेशन आज का टॉपिक पढ़ना है, तो उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। एग्जैक्टली लाइट्स जो हैं, जो वेव्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट और कैसे पोलराइज करेंगे उन्हें, उन लाइट्स को जो कि अनपोलराइज फॉर्म में रहेंगी। तो ये सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझ लेते हैं अच्छे से। जिसको कुछ नहीं आता होगा उसे भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है, ध्यान देना। तो हमने ऑलरेडी भाई पढ़ा है कि लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब यहां पे समझना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर हम आगे फटाफट स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी हमेशा याद रखना कि लाइट के अंदर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। विदाउट पार्टिकल, क्योंकि हमारी जो लाइट से वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होती है ना, इसके लिए। तो कभी भी याद रखो, हमने पढ़ा है 11th में चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि हर एक जो पार्टिकल होता है जब वो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल की सपोज मैं बात कर रहा हूँ या एटम की बात कर रहा हूँ, तो जब वो मोशन में होते हैं तो वो अपने अंदर से वेव को रिलीज करते हैं, ठीक है, वेव को विद सम वेव लेंथ। हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया कि हर एक एटम से वेव्स रिलीज होते हैं इन सम प्लेन, किसी ना किसी प्लेन में। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो एक प्लेन है, ये एक्स और वाई का 2D प्लेन है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। मतलब ये कैसा प्लेन है, मैं देखो बना रहा हूँ, प्लेन बना रहा हूँ, ये एक ऐसा प्लेन है और एक ये ऐसा प्लेन है, सिर्फ 2D। आप इसमें सिर्फ 2D चीजें देख सकते हो, आप इसमें 3D चीजें नहीं देख सकते हो। जैसे कि अभी देखो एक जेड एक्सिस में साइड में ये ऊपर की तरफ, ये जो मैं यहाँ पे ये एक्सिस बनाया ना, ये ऊपर की तरफ आता है, ऊपर एबो, ऊपर, समझ रहे ना, मतलब इमेजिन कर सकते हो आप लोग। ये प्लेन के एबो डायरेक्शन, ये ऐसा हो गया ये डायरेक्शन, और जो ये वाला एक्सिस है जिसे मैं जेड नाम दे देता हूँ और इसे मैं वाई देता हूँ, इसे एक्स देता हूँ, तो जो जेड वाला है ये ऊपर की तरफ फ्रंट में आ रहा है आपके सामने, सपोज फ्रंट में, तो वो 3D हो जाता। बट जो वेव होती है नॉर्मली किसी ना किसी प्लेन में चलती, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, किसी ना किसी प्लेन में तो ट्रेवल ही करती है। आगे बढ़ते हैं। तो जो एटम्स होते हैं ना गाइज, हमने आज सीख लिया कि एटम्स में से भी वेव रिलीज होते हैं और जो वेव होती है वो प्लेन में ट्रेवल करती है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी भी तभी प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, यहाँ पे ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे तभी अपनी वेव किसी भी पार्टिकल से रिलीज होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। तो सपोज दैट कि अपना एटम यहाँ पे है सेंटर में, तो इससे अगर देखो मुझे कहना है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक परपेंडिकुलर, यानी ऐसा है कुछ, तो मैं यही कहूंगा ना कि अपना एक्स एक्सिस में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो फिर वाई एक्सिस में 100% मैग्नेटिक फील्ड ही होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब अगर वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जेड एक्सिस में क्या होगा? अपनी वेव ट्रेवल करेगी। समझ में आया क्या? क्योंकि जब अपनी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो ही अपनी वेव रिलीज होती है। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? याद रखना अच्छे से, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के पहले ही पार्ट में इस वीडियो को देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है जो वेव, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरिज्म से बनती है। ओके, इस बात को समझ के रखना है। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा याद रखना। तो हमने यहाँ से सीखा क्या? हमने ये सीखा कि कभी भी जो अपना यहाँ पे अगर कोई भी 2D लाइंस या फिर कोई भी प्लेन में अगर अपनी लाइट ट्रेवल कर रही है तो परफेक्टली वो या तो वाई प्लेन में है या तो वो फिर एक्स प्लेन में है और उसमें से अपनी जो वेव है वो ट्रेवल करती है इस तरीके से। बट यहां पे एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर मान लो कोई ऐसी लाइट है जिसका प्लेन डिफाइंड ही ना हो, मतलब प्लेन डिफाइन ना हो, वो इधर भी ट्रेवल करता रहेगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही रहेगा, बट प्लेन डिफाइंड ना हो यानी कि अनडिफाइंड प्लेन हो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अनडिफाइंड प्लेन हो। अभी इसमें कैसा था, डिफाइंड है कि भाई जेड एक्सिस से वेव ही निकलेगी, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एक्स एक्सिस में ही रहेगा। तो अच्छे समझ के रखना है, यहां पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये क्या हो गया, यहां पे वेव का डायरेक्शन डिफाइंड है यानी कि ये वेव कैसी है, डिफाइंड वेव है। तो ऐसी वेव को, क्योंकि अभी देखो सिंगल प्लेन, प्लेन मतलब अपना एक जेड एक्सिस, कौन सा प्लेन यहाँ पे ये एक्स और जेड का जो प्लेन है, प्लेन मतलब एक एरिया यार, ये एरिया ये प्लेन। आप वैसे भी मैथमेटिक्स 1 में प्लेन चैप्टर अगर आपको होगा तो आप पढ़ोगे 100% पढ़ोगे, ठीक है। 3D वेक्टर एंड प्लेन स्केलार्स ये सारी चीजें वहां पे हैं तो आप पढ़ोगे अगर रिमूव नहीं किया है, मे भी शायद रिमूव नहीं किया है, ठीक है। तो याद रखना अच्छे से। तो डिफाइंड वेव यहाँ पे याद रखना, डिफाइंड वेव ऐसी वेव है जिनका प्लेन डिसाइडेड होता है और वो सेम प्लेन में ही रहेंगी, सिंगल डायरेक्शन सिंगल प्लेन में जो वेव ट्रेवल करेगी। जैसे कि यहाँ पे क्या कंडीशन है कि यहाँ पे वाई एक्सिस में ही अपनी प्लेन ट्रेवल करेगी, तो यहाँ पे डिफाइंड वेव कह सकते हो, डिफाइंड प्लेन वेव ऐसा आप कह सकते हो। इन्हीं वेव्स को हम पोलराइज्ड वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनकी सारी चीजें डिफाइंड होती है। बट अगर यहीं पे अपना जो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड वेव का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होगा यानी कि अनडिफाइंड होगा तो ऐसी वेव को हम अनडिफाइंड वेव कहेंगे, समझा। और इसे हम अनदर वर्ड में अनपोलराइज्ड लाइट भी कह सकते हैं। अभी इनकी हम प्रॉपर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, डोंट वरी। बट क्लियर तो हो गया ना आपको कि भाई क्या है, एक्सिस की यहाँ पे बात हमने बता दी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ने से पहले आपको 11th का आना चाहिए था तो ही आपको समझता, इसके लिए मैंने बता दिया। वीडियो को बार बार रिवाइंड करोगे तो और अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, सिंगल प्लेन में अगर कोई वेव है तो वो डिफाइंड वेव है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बाकी अनडिफाइंड वेव है। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं दोनों कॉन्सेप्ट में, पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड में। यानी अनपोलराइज्ड पहले समझते हैं फिर पोलराइज्ड में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बता रहा हूं बार बार मैं, ठीक है। लाइट वेव एक ऐसी लाइट वेव जो कि वाइब्रेट होती है। अब मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी लाइट वेव रहने दो यार, उसमें वाइब्रेशन तो होता ही है, विदाउट वाइब्रेशन वो कैसे हो सकता है। तो एक ऐसी लाइट वेव जो वाइब्रेट होती है मोर देन वन प्लेन। मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला था ना कि पहले सुन लेने का, कोई कोई चीजें एक बार सुनने से नहीं आती हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम पूरा चैप्टर का अगर हाफ तक पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है, बट जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। तो ये बात ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या मोर देन वन प्लेन मतलब क्या, अभी क्या है डिसाइडेड है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक्स एक्सिस में रहेगा, ये वाई एक्सिस में। बट मोर देन वन प्लेन कैसा कि अपने जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे वो किसी भी प्लेन में ऐसे ट्रेवल करेंगे, किसी भी प्लेन में, अनडिफाइंड, मालूम ही नहीं है, किधर भी किसी भी प्लेन में जाएंगे। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, उनका डायरेक्शन किधर भी रहेगा। तो ये क्या हो गई भाई, मतलब ये कैसी बात है। तो ये किसी भी प्लेन में जो पार्टिकल के जो भी मतलब पार्टिकल रहेंगे वेव्स के वाइब्रेट होते हैं किसी भी सिंगल या मोर देन वन प्लेन, एक प्लेन से कोई एक प्लेन छोड़ के, जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया या फिर जेड वाई प्लेन हो गया या फिर एक्स जेड प्लेन हो गया, किसी भी एक प्लेन से एक्स्ट्रा अनदर किसी भी प्लेन में जो वेव्स मतलब अपना प्रोपागेट होती है, ट्रेवल करती है, तो ऐसी वेव को हम अनपोलराइज्ड वेव या लाइट कहते हैं, ठीक है। तो मान लो ये सोर्स था इधर, अभी देखो जाना चाहिए था कैसे इसको, ये और यही पाथ इसको फॉलो करना चाहिए, जैसे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, बट किसी भी प्लेन में जा रही है यार, किधर भी जा रही है, देख रहे हो आप कैसे यहाँ पे चक्री जैसे चल रहा है दिवाली का, समझ रहे ना। तो यहाँ पे जो भी फील्ड है इसका, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप इंटेंसिटी भी कह सकते हो, तो ये जो यहाँ पे है ये किसी भी प्लेन में हो रहा है, मतलब किधर भी ट्रेवल कर रही है अपनी लाइट, किधर भी प्रोपागेट हो रही है। तो ऐसी वाली लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं, जो कि लाइट पोलराइज्ड नहीं है यानी कि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये किसी भी प्लेन में ट्रेवल कर सकती है, तो इसे हम ऐसी लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहा करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नाउ देन व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड लाइट या वेव एक ऐसी वेव या लाइट होती है जिसके अंदर जो वाइब्रेशन होता है पार्टिकल को सिंगल प्लेन में रहेगा, यानी कि या तो सिर्फ एक्स एक्सिस या तो सिर्फ जेड एक्सिस या तो फिर वाई एक्सिस। मतलब ये मान लो अगर मैं कहूं कि जेड एक्सिस में अगर अपनी वेव ट्रेवल कर रही है तो होती तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक्स और वाई प्लेन में, मतलब एक्स और वाई प्लेन में रहेंगे, बिकॉज तभी ना ये 90 डिग्री बनाएंगे और परपेंडिकुलर हो पाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो 100% वाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही होना चाहिए, तभी ये 90 बनाएंगे। ऐसा जरूरी तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में आ जाए, कोई बात नहीं, देन फिर वाई एक्सिस में अपना वेव रहेगा, समझ, फिर यहाँ पे 90 बनाएंगे ये लोग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परपेंडिकुलर होना इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो फिर उसके फ्रंट में सीधा वेव ट्रेवल करती है, तो वो सिंगल प्लेन में ट्रेवल कर रही है, तो इसीलिए इस लाइट को हम पोलराइज लाइट कहते हैं। जैसे ये सोर्स है तो यहाँ से इस तरीके से पोलराइजेशन हो रहा है, सिंगल प्लेन में, एक ही प्लेन में, दूसरे प्लेन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी पार्टिकल्स को वाइब्रेट या प्रोपागेट होने के लिए, तो ऐसी लाइट को हम पोलराइज लाइट कहते हैं। समझ में आया क्या? जैसे कि देखो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट का। देखो मान लो ये अपनी प्रोपगेशन का पाथ है, ठीक है, समझना अच्छे से, ये रास्ता है जिससे अपनी लाइट प्रोपगेट होगी। यहाँ पे है पार्टिकल, यहाँ पे इसके भी ये इधर पे मैं एक ही पार्टिकल बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। चलो अब देखो मैं ये कौन सी लाइट में, पहली वाली है अपनी अनपोलराइज लाइट, दूसरी वाली है पोलराइज लाइट, तो मैं इसको कैसे बताऊंगा, इसके पार्टिकल किसी भी प्लेन में, ये पहला प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, ये देखो ये दूसरा प्लेन हो गया, देखो ये फर्स्ट प्लेन, ये दूसरा प्लेन, समझ रहे ना प्लेन कैसे होता है, फिर ये तीसरा प्लेन हो गया, समझा, ये ऐसे इधर से ये इधर चौथा प्लेन हो गया, ऐसे किधर भी लाइट प्रोपागेट होगी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसी लाइट को हम अनपोलराइज लाइट कहते हैं। बट व्हाट इज पोलराइज लाइट, तो यहाँ पे ओनली सिंगल प्लेन, या तो सिर्फ यही रहेगा या तो फिर सिर्फ या तो इधर और इधर रहेगा, मतलब ये सिंगल प्लेन में रहेगा, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ लेना क्या बोल रहा हूँ, सिंगल प्लेन में लाइट रहेगी और जो लाइट प्रोपागेट होगी वो परपेंडिकुलर रहेगी टू द पाथ ऑफ प्रोपागेशन, यानी कि ये बात फिक्स है कि अपनी लाइट ऐसी ही रहेगी, क्योंकि अगर ये पाथ है, अगर ये प्रोपागेशन का पाथ है तो अपनी पोलराइज्ड लाइट, मैं अनपोलराइज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पोलराइज लाइट हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगी, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, प्रोपागेशन के पाथ से 90 डिग्री, ओके, तो ये होती है पोलराइज लाइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, देन व्हाट इज पोलराइजेशन। अब हम समझ चुके हैं कि पोलराइज लाइट क्या होती है, अनपोलराइज लाइट क्या होती है। पोलराइज लाइट वो लाइट जो कि सिंगल प्लेन में ट्रेवल करती हो, जिनके पार्टिकल्स का वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में हो, जो वेव्स सिंगल प्लेन में वाइब्रेट होती हो, उसे हम पोलराइज लाइट कहते हैं। अनपोलराइज क्या लाइट क्या होती है, जो लाइट का वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में नहीं जबकि मल्टीपल प्लेन में होता हो, ऐसी लाइट्स को हम अनपोलराइज लाइट्स या वेव्स कहते हैं। देन व्हाट इज पोलराइजेशन, तो वी नो दैट कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बार बार बताना ना पड़े। एटम्स क्या करते हैं, एमिट करते हैं वेव को, मैंने अभी भी बता दिया। इसी तरीके से तो जब एटम्स वेव्स को एमिट करते हैं तो या तो वो वेव अनपोलराइज होगी, एक बात तो फिक्स है ना यार, या तो वो अनपोलराइज होगी या तो फिर वो पोलराइज होगी। एटम्स भी हमेशा अपने अंदर से वेव्स को एमिट करते हैं, हमने पढ़ा था ना यार प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, केमिस्ट्री में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में, ठीक है, और वहां से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ वेव्स विद द वेवलेंथ कैसे एटम से रिलीज होता है, ये हमने देखा था। जिसे नहीं पता तो मैंने बता दिया ना कि यार एटम से भी वेव्स इमिट होती है, इतना याद रखो, बस इतना काफी है, ठीक है। तो वो जो वेव्स इमिट होंगी या तो वो अनपोलराइज रहेगी या तो पोलराइज रहेगी। पोलराइज कहने का मतलब ये है कि उनकी सारी के सारी वेव्स का वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में होगा, या तो एक्स वाई प्लेन में, या तो वाई एक्स प्लेन में, या तो जेड एक्स प्लेन में। बट अनपोलराइज लाइट किसी भी प्लेन में ट्रेवल करेगी, किधर भी मतलब किधर भी, समझ गया। देन व्हाट इज पोलराइजेशन, तो इतना चिंदी सा और सिंपल सा वर्ड, बहुत चिंदी है यार ये। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनपोलराइज लाइट इनटू पोलराइज लाइट, यानी हर एक उस पोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्जन करने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं पोलराइजेशन। इतना आसान सा डेफिनेशन एग्जाम में 2 मार्क्स को पूछता है। कितने मार्क्स को पूछता है? 2 मार्क्स को। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनपोलराइज लाइट इनटू पोलराइज लाइट इज नथिंग बट क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। यानी मैं क्या कह रहा हूं जानते हो? मैं ये कह रहा हूं कि यहां से एक प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, ध्यान देना अच्छे से। यहां पे एक लाइट है जो कि कैसी है? अनपोलराइज लाइट है। इस तरीके से कैसा भी उसका यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ये है अनपोलराइज लाइट, ठीक है, ये है अनपोलराइज लाइट। और कुछ ऐसा प्रोसेस में कर दूं, यहाँ पे ऐसा कुछ कर दूं जिससे कि ये लाइट क्या हो जाए? ओनली ऐसा सिंगल प्लेन में ट्रेवल करने लगे। ये लाइट कैसा ट्रेवल करने लगे? ओनली ये लाइट सिंगल प्लेन में ट्रेवल करने लगे। पहले कैसी थी ये लाइट? कैसी भी थी, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये लाइट पहले कैसी भी थी, अनपोलराइज थी। अब मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये लाइट क्या हो जाए, ये सारी की सारी जो लाइट्स हैं ये सारी की सारी अनपोलराइज से पोलराइज हो जाए। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताऊं, जैसे देखो ये वाली लाइट ये ऐसी बन गई, ये देखो ऐसा बन गया, समझ में आ रहा है ना, ये देखो ऐसा बन गया। तो सारी की सारी अनपोलराइज लाइट का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू पोलराइज लाइट इज नथिंग बट एंड दैट प्रोसेस इज नथिंग बट पोलराइजेशन। तो मान लो गाइस हम यहाँ पे अब करेंगे क्या, सपोज कि हमने यहाँ पे एक डिवाइस यूज किया, डिवाइस यहाँ पे एक हमने डिवाइस यूज किया और इस डिवाइस से हमने हल्का सा यहाँ पे छोटा सा स्पेस छोड़ दिया और यहाँ पे सारी लाइट आ रही थी और यहाँ से आके यहाँ कन्वर्ट हो रही थी। समझ रहे ना, आपने ऐसे बहुत सारे पिक्चर फोटोज भी देखे होंगे कि एक बॉक्स है जिसके अंदर कोई भी गरीब गंदा आदमी अंदर घुसता है और वहां से एकदम फैंसी एंड प्रोफेशनल होके निकलता है। कुछ वही यहाँ पे भी चल रहा है। सपोज ये दरवाजा है जिसे हम डिवाइस अभी यहाँ पे कह रहे हैं और इस डिवाइस का नाम क्या होता है बताऊंगा अभी, डोंट वरी, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये डिवाइस है और डिवाइस में अनपोलराइज लाइट आती है और पोलराइज बन के निकल जाती है, समझ गया कि नहीं। और ये पोलराइज लाइट हमेशा 90 डिग्री बनाएगी, यहाँ पे 90 रहेगी, यानी कि जो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इस लाइन को जिसके थ्रू जा रही है इसे हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इसके अलोंग अपनी लाइट जो रहेगी परपेंडिकुलर बनाएगी, परपेंडिकुलर ऐसा इसका रहने वाला है, ठीक है। तो यहां से अनपोलराइज लाइट पोलराइज बनेगी विद सम डिवाइस एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिवाइस, वो डिवाइस का नाम है पोलराइजर। क्या नाम है उस डिवाइस का, नाम है पोलराइजर। क्या नाम है उसका, पोलराइजर, ठीक है, याद ध्यान रखना अच्छे से। चलो तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी एग्जैक्टली भाई पोलराइजर कैसे होता है, कैसे ये सारी चीजें वर्क करती हैं, अभी दिखाता हूं। देखो यहाँ पे अब ध्यान देना, मान लो ये अपनी लाइट है, यहां से अभी अपनी लाइट क्या करेगी, इसको पोलराइज करना है, इसे मुझे क्या करना है, पोलराइज करना है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या होता है, ये अनपोलराइज लाइट यहाँ पे आई, देखो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट जा रही है, अभी अपने को क्या करना है, इसको पोलराइज करना है। तो ये लाइट इस तरीके से आगे जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थोड़े टाइम बाद ये लाइट जो है ये पोलराइज हो जाएगी और इस तरीके से यहाँ पे निकलेगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो अपने को लाइट मिलेगी, देखो यहाँ पे देखो इस तरीके से पोलराइज लाइट मिली, ठीक है। तो ये पोलरॉइड क्या है। फिर यहाँ पे अपने पास जो डिवाइस है, पोलराइजिंग एक्सिस जिसे हम कहते हैं, ये जो ब्लैक कलर में लाइन गई है इसे हम क्या कहते हैं, जो लाइन गई है इसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, पहले हम थोड़ा सा टर्म्स को समझते हैं, तो ध्यान दो अच्छे से। यहाँ पे क्या है, पोलराइजर पहले क्या होता है, तो पोलराइजर जस्ट एक ऑप्टिकल फिल्टर होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, प्लास्टिक का बनता है ये, ठीक है, इसकी कोई हिम्मत नहीं है, प्लास्टिक का होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये ऑप्टिकल फिल्टर है जो कि किसी भी लाइट्स वेव होती हैं उनको स्पेसिफिक पोलराइजेशन के थ्रू पास कराता है और जो बाकी की पोलराइज लाइट होती है उनको ब्लॉक कर देता है। कहने का मतलब ये है, ध्यान देना अच्छे से, मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा बस एक इमेजिनेशन पावर आपसे चाहिए, मुझे ध्यान देना, ठीक है। यहां से एक लाइट जा रही है, ठीक है, ये ऐसी लाइट जा रही है, ठीक है, ऐसे लाइट जा रही है, इसमें से ये कैसी है, अनपोलराइज लाइट है। देखो ये कह क्या रहा है कि इट इज एन ऑप्टिकल फिल्टर दैट लेट्स लाइट्स वेव्स ऑफ अ स्पेसिफिक पोलराइजेशन पास थ्रू व्हाइल ब्लॉकिंग लाइट वेव्स ऑफ अदर पोलराइजेशन। मतलब कुछ लाइट्स को ब्लॉक कर देता है और कुछ ही लाइट को वो आगे ट्रेवल करने देता है। समझ गया ना क्या करता है ये, ध्यान देना। तो वो क्या है, कैसे करता है, समझो अच्छे से। तो ये यहाँ आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म भी किया यार, आपको ये मालूम भी है, ऐसे आपको भी चिंदी समझेगा ना कि आप ध्यान देना, आपको भरोसा भी नहीं होगा कि आपको समझ चुका है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने एक डिवाइस लगा दिया, यहाँ पे मैंने ऐसे एक डिवाइस लगा दिया, ठीक है, ये मेरा एक डिवाइस है, ठीक है, छोटा सा यहाँ पे मैंने एक डिवाइस लगा दिया है। इस डिवाइस के बीच में एक छोटा सा होल है, कैसा होल है, कुछ इस तरीके का, इस तरीके का होल है, मतलब इस तरीके से लाइट आएगी ना तो वहां चली जाएगी। आपने ऐसा देखा भी होगा कि एक घर के अंदर बहुत ज्यादा लाइट है और बाहर सपोज अंधेरा है, या फिर घर के अंदर अंधेरा है और बाहर लाइट है। तो आपके घर में अगर छोटा सा होल है तो उस होल के थ्रू लाइट क्या होती है, ट्रेवल करके अंदर आ जाती है, समझा, बस वही होती है पोलराइज लाइट, ध्यान देना। तो यहां पर जब आगे ये लाइट जाएगी तो जब इधर से निकलेगी तो कैसे निकलेगी, ये लाइट कुछ ऐसे निकलेगी ना, क्योंकि होल सिर्फ उतना ही है ना, और बाकी की जो लाइट देखो अभी ध्यान देना, मतलब सिर्फ यही लाइट आगे ट्रेवल की और ये इनका क्या, ये तो सिर्फ बड़ा पाव खाते रहेंगे, इनका क्या हुआ, तो ये यहाँ पे क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, जो बाकी का स्पेस है यहाँ पे क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, ओनली सिर्फ वही लाइट पास हुई। ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा, मुझे भरोसा है कि आपको समझ गया होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से 90 डिग्री अपनी लाइट आगे ट्रेवल कर गई। तो यही काम है पोलराइजर का। पोलराइजर जस्ट एक ऑप्टिकल फिल्टर है जो कि लाइट को फिल्टर करता है, कुछों को ब्लॉक कर देगा, कुछों को जाने देगा, जो जाएंगी वही होंगी पोलराइज लाइट, और इसी प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो कोई भी अनडिफाइंड या फिर मिक्स्ड पोलराइज लाइट हो उनको डिफाइंड पोलराइजेशन में कन्वर्ट कर देता है अपना पोलराइजर। समझ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज पोलरॉइड, ये पूछता है, ये एग्जाम में यहां से 3 मार्क्स को एक एक डेफिनेशन पूछ लेगा। तो पोलरॉइड क्या होता है? पोलरॉइड एक ऐसा सिंथेटिक प्लास्टिक की शीट है जो कि पोलराइजर के फॉर्म में यूज होती है। मतलब पोलरॉइड एक ऐसी चीज है, ऐसी एक प्लास्टिक का एक इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस कह सकते हो, प्लास्टिक का यार जस्ट एक डब्बा, ठीक है। तो वो जो कि पोलरॉइड ये एज अ पोलराइजर यूज होता है, एक ऐसा काइंड है, एक ऐसा सिंथेटिक प्लास्टिक का एक ऐसा तरीका, एक ऐसा टाइप है जो कि एज अ पोलराइजर यूज होता है, वही होता है पोलरॉइड। देन व्हाट इज पोलराइजिंग एक्सिस, क्या होता है ये? तो एक ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन, अभी देखो ये एक पर्टिकुलर ऐसा डायरेक्शन है ना इनका जाने का, एक ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग विच द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इमर्जेंट वेव इज ओरिएंटेड। एक ऐसा डायरेक्शन जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम इमर्जेंट वेव जो होती है, इमर्जेंट मतलब जाने वाली, इमर्ज करने वाली, निकलने वाली वेव का इलेक्ट्रिक वेव जो होता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ओरिएंटेड होता है। अब मैं आपको इसे दिखाऊंगा, ठीक है, यहां पे ध्यान देना। देखो तो यहां पे क्या है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि अभी फिलहाल अनपोलराइज्ड है। ये यहां से जाएगी, तो जब ये यहां से जाएगी तो इसका देखो अभी ये सपोज एक्सिस है, ठीक है, ये ऐसे लाइट जा रही है, ऐसे लाइट वेव जा रही है, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं जा रही है यार, ये ऐसा जा रही है, ध्यान दो, देखो किस तरीके से लाइट वेव जा रही है, ऐसे जा रही है। अरे फिर से आ गया 1 मिनट ठीक है, ध्यान दो, देखो ऐसे है ये लाइट, ऐसे जा रही है, समझा। तो यानी कि सपोज ये कोई एक एक्सिस है, मैं इसे जेड एक्सिस मान लेता हूं, तो जो इसके पास इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, और दूसरा फील्ड कुछ ऐसा रहेगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं ना, ये फील्ड कुछ ऐसे 90 बनाएंगे ना, यानी कि ये अपना मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इमर्जेंट वेव हो गई, इमर्जेंट वेव को जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना अपना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करता हो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्जेंट वेव का डिफाइन करता हो। तो ये ऐसी वेव जा रही है, तो इसके परपेंडिकुलर में जो ये एक्सिस है, मैं यहाँ पे रेड में बनाता हूँ, इसके परपेंडिकुलर में जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग एक्सिस कहते हैं। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझा कि नहीं अच्छे से, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। और फिर आगे लाइट निकल जाएगी और यहाँ पे क्या बनेगी, अपने को पोलराइज लाइट बनेगी आफ्टर द पोलराइजर, जब पोलराइजर से निकल जाएगी लाइट। समझ में आया क्या? तो ये होता है पोलराइजिंग एक्सिस, मतलब जिस एक्सिस के अलोंग अपनी लाइट पोलराइज होती है। यार ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऐसे जा रही है, यही पोलराइजिंग एक्सिस है। समझ आया कि नहीं? बस इतना सा सोचना नहीं ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये दोनों क्या होता है? अब ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे समझना है, बाकी कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। तो एक ऐसा प्लेन जो कि कंटेन करता हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। यानी कि जैसे ये लाइट जा रही है, तो यहाँ पे कोई भी अनपोलराइज लाइट है मान लो, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसका खुद का रहेगा ना, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब ये लाइट यहाँ पे पोलराइजर था, यहाँ से ये पोलराइजर है सपोज, इसने लाइट को पोलराइज करने का काम करता है, ये ऐसे लाइट को पोलराइज कर दिया। तो अब इस लाइट का कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ना, तभी तो लाइट एग्जिस्टेड है। क्योंकि अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो विदाउट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं हो सकती, वो परपेंडिकुलर रहेंगी तभी होगी। तो इसका मतलब ये बात हुई कि यहाँ पे जो भी लाइट है ये एक दूसरे में क्या है, पोलराइज्ड है। और पहली बात तो पोलराइज्ड है, और दूसरी बात ये कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा। तो एक ऐसा प्लेन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को शो करता हो, डिफाइन करता हो या कंटेन करता हो, उस प्लेन को हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो ए बी सी एकदम परपेंडिकुलर, देख रहे हो ये ए बी सी डी जो यहाँ पे बनाया है, जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। मतलब कि अगर ऐसे लाइट चल रही है, यहाँ पे ऐसी अगर अपनी लाइट है, तो इसके ही अलोंग ऐसे, इसके ही अलोंग 3D में इमेजिन करना, इसके ही अलोंग यहाँ पे अपना प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट साथ में चलेगा, साथ में चलते जाएगा। यही होता है यहाँ पे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। मतलब एक ऐसा प्लेन यार जिसके अलोंग अपना वेव जो ऐसे ऐसे क्या करेंगे, वाइब्रेट होंगे, उसके बाहर नहीं जा सकते। ये एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, जिस प्लेन में अपने पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं उसे हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। देन व्हाट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन? एक ऐसा प्लेन यार जहां पे अपनी लाइट्स पोलराइज होती है। थोड़ा सा और अच्छे से वर्ड में कहूं तो प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वाइब्रेशन, यानी एक ऐसा प्लेन जो कि परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ द वाइब्रेशन को, और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक लाइट है ऐसी, ये ऐसी लाइट जा रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इसका ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, सीधा एकदम ऐसा, और यहाँ पे कोई भी जो भी इसके सामने कोई भी पोलराइज लाइट है, मान लो कोई भी एक ऐसी पोलराइज लाइट है, तो यहां पे क्या होगा, जो भी एक प्लेन है वो इसको परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये कैसी हो गई, ये होगी अपनी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये अपनी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, ठीक है, जिसे हम परपेंडिकुलर एक्सिस या फिर प्रोपगेशन एक्सिस भी कहते हैं। तो ये ऐसा पूरा ये क्या है अपना पोलराइज लाइट का जो भी एक्सिस है, मतलब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इसे कहते हैं, जिस प्लेन में अपनी लाइट पोलराइज हो रही है इसी प्लेन में हो रही है, ओके। और फिर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, तो ये पूरा जितना एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब इसी में इस तरीके से लाइट क्या होगी, पोलराइज होगी, इसी में वाइब्रेट होंगे अंदर के पार्टिकल ऐसे। तो ये जो ये पूरा है ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है जहां पे अपने पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये है कि जहां पे अपनी लाइट पोलराइज होती है, इस तरीके से 90 बनाती है प्लेन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ। तो ये हो गई अपनी, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है पोलराइज लाइट, और यहाँ पे जो ये ABCD है ये है अपनी जो भी वाइब्रेशन का प्रोपगेशन है। तो इस तरीके से आपको समझना है, और भी बेटर होगा अगर आप इसे 3D में समझो या फिर इमेजिन करो तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि 2D में जस्ट मैं बोलूंगा, आपको सुनना है और आपको इमेजिन करना है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझ पाना, ठीक है। चलो अब हम ये जो लाइट हो गई भाई लाइट, बस इसीलिए मैं तो कहना चाहूंगा कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ये समझ के रखना है कि कोई भी लाइट, ध्यान देना अच्छे से, कोई भी लाइट पहले क्या होती है भाई, अनपोलराइज होती है। कोई भी लाइट पहले से ही पोलराइज नहीं होती है, उस लाइट को पोलराइज करने के लिए हम यूज करते हैं अच्छा खासा प्यारा सा पोलराइजर, ये अपना सपोज पोलराइजर है, और फिर अपनी लाइट यहाँ पे क्या होती है, इस तरीके से पोलराइज होती है। तो जो पोलराइज लाइट है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को 90 डिग्री बनाती है और सिंगल प्लेन में ट्रेवल करती है, देखो ऊपर नीचे ओनली सिंगल प्लेन। और अनपोलराइज लाइट किसी भी एंगल, कैसा भी एंगल बनाएगी, और ये किसी भी तरीके से यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में मूव करती है, कितने भी मल्टीपल प्लेन्स में ये ट्रेवल करती है। तो इसको पोलराइज करने के लिए, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, और इसको पोलराइज करने के लिए हम यूज करते हैं डिवाइस, नाम है जिसका पोलराइजर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं ना, अब हम देखते हैं कि इंटेंसिटी, जो लाइट ट्रेवल कर रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो हमने मतलब क्लास 11th में चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था इंटेंसिटी का एक इक्वेशन, वो सीधा इक्वेशन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मे बी आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं शायद, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने इंटेंसिटी का पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो E = E0 sin kx ओमेगा t। के क्या होता है, वेव का वेक्टर, जो वेव का वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होती है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और E0 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। ये इक्वेशन और अच्छे से आपको समझेगा जब आप ऑसिलेशन चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे अपने ही 12th क्लास का, ठीक है। तो ये इक्वेशन और अच्छे से समझेगा, ऐसे ही ऐसे टाइप की इक्वेशन वहां पे बहुत बार यूज हुए हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी वेव की, ठीक है, तो समझ के रखना। किसी ने इक्वेशन पूछा तो आपको बता देना है फटाक से। हमेशा याद रखो एक स्टेटमेंट बता रहा हूं कि कोई भी अगर अनपोलराइज लाइट है, ये यूपी नहीं है यार, ये UN है, ओके। तो अन इतना तो तुम लोग समझ सकते हो ना यार, वो लिखने के टाइम पे थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है, इधर उधर थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अनपोलराइज लाइट है ये, तो कोई भी अनपोलराइज लाइट जो होती है उसकी इंटेंसिटी हमेशा आधी हो जाती है जब वो लाइट पोलराइज हो जाती है। मतलब देखो एक लाइट है तुम्हारे सामने, ये लाइट अभी कैसी है, यहाँ पे अनपोलराइज लाइट, ये कैसी भी यहाँ पे फॉर्म्ड है, ये अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। ये लाइट को जब मैं पोलराइजर की हेल्प से यहाँ पे क्या कर दूंगा, पोलराइज, यहाँ पे मैंने इसको पोलराइज कर दिया, तो इसकी इंटेंसिटी मान लो पहले थी E, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इसकी इंटेंसिटी थी E, तो अब ये क्या हो जाएगी, E/2, वही लाइट की इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, ठीक है। तो जब तक लाइट अनपोलराइज है तब तक उसकी इंटेंसिटी जितनी रहेगी उतनी रहेगी, और जब वो लाइट पोलराइज हो जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, समझ गया अच्छे से। तो ये बात अच्छे से याद रखना, ये इंटेंसिटी का फंडा है, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बाकी का तो आपको कुछ टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे देखो गाइस, मॉल्यूस लॉ, ये क्या बोलता है, मतलब मॉल्यूस लॉ आखिर ये जो है ये लॉ बनाया जिन्होंने, ये बोलते क्या है, ठीक है। तो इसको समझ लो अच्छे से। एक ऐसा देखो, अभी यहाँ पे मैं बात करूंगा सिंपल सा लीनियर वेव की। लीनियर वेव क्या होती है, यहाँ पे ध्यान देना, नॉर्मल देखो ट्रांसवर्स वेव आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव वगैरह, फिर ठीक है ऐसे ऐसे आपने वेव्स पढ़ा है, मतलब थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, ये ऐसी वेव्स आपने पढ़ी है, फिर ऐसा पढ़ा ना साउंड वेव में, साउंड वगैरह में यार, तो आपने ऐसी वेव्स पढ़ी है ना। लीनियर वेव, स्ट्रेट वेव, समझा कि नहीं, लीनियर वेव्स के बारे की बात कर रहा हूँ। तो जो देखो अभी सभी वेव्स का ट्रांसवर्स हो या फिर कोई भी और भी वेव्स हो, अपने पास बहुत सारी वेव्स है, ट्रांसवर्स हो, ट्रांसवर्स कोई भी वेव्स रहने दो, तो इनमें से जितनी भी वेव्स हैं इन सबका हमारे पास भाई प्रूफ है, सारी चीजें प्रूफ है। बट जो लीनियर वेव है उसका क्या, किसी का हमें इसका ना तो वेवलेंथ ना इंटेंसिटी कुछ नहीं पता होती है, तो इसीलिए मॉल्यूस लॉ ने इसकी इंटेंसिटी बताई, ध्यान देना अच्छे से। तो कोई भी जब लीनियर वेव्स किसी भी एंगल के साथ ट्रेवल करती है, मैंने उस एंगल को मान लिया थीटा और यहाँ पे कॉस, और I1 क्या है, इनिशियल जो पहले उसकी इंटेंसिटी थी। मान लो अगर सपोज ये पोलराइजर है और यहाँ से अपनी जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी इस तरीके से, अपनी जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी ऐसे इसके थ्रू, पोलराइजर के थ्रू, ठीक है। फिर यहाँ से जो भी इसकी मान लो यहाँ पे लीनियर वेव थी जो कि अनपोलराइज है, अब ये अनपोलराइज लीनियर वेव्स यहाँ से ट्रेवल करेगी, अनपोलराइज लीनियर वेव, ध्यान देना अनपोलराइज लीनियर वेव यहाँ से ट्रेवल करेगी और यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। पोलराइजर है ना ये, पोलराइजर क्या कर देगा, इसे पोलराइज कर देगा, ठीक है। तो जब इसे पोलराइज करेगा तो इसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, तो ये यहाँ पे बताया है मैलूस ने, जो साइंटिस्ट थे इनका नाम है एल मैलूस, ऐसा इन्हें कहा जाता था, ठीक है। तो ये इन्होंने बनाया है एक ऐसा मतलब इंटेंसिटी फाइंड करने का तरीका जो कि लीनियर वेव की इंटेंसिटी बता सकता हो। तो I2 क्या है, जो अपनी बाद की यहाँ पे इंटेंसिटी बनी पोलराइज होने के बाद, I1 पहले कितनी थी और कॉस थीटा यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म करता है निकलने के बाद, ठीक है, ऐसा, तो वो थीटा हो गया, यानी I1 I2 ये इंटेंसिटीज है जस्ट। तो दिस लॉ गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ द लीनियरली पोलराइज्ड वेव आफ्टर इट पासेस थ्रू दी पोलराइजर, जब वो पोलराइजर से पास होती है और वो लाइट लीनियरली हो, मतलब लीनियरली पोलराइज जो वेव होती है इस तरीके से, लीनियरली पोलराइज जो वेव होती है उन वेव्स का इंटेंसिटी कितना होगा, वो बताया गया है मैलूस लॉ में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। नाउ नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, ब्रूस्टर्स लॉ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और इसे समझ लो, इसे छोड़ो मत बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2017 के पेपर में, 2018 के शायद, पर 2017 में कन्फर्म है, 2018 के पेपर में 3 मार्क्स को एग्जाम में पूछा है, ठीक है। ब्रूस्टर्स लॉ यानी पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की हेल्प से क्या पोलराइजेशन होता है ये समझना है, ठीक है। तो पहले डायग्राम समझते हैं, फिर सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। तो मान लो आपके सामने कोई भी एक ऐसा डायग्राम है जिसके पास कोई भी एक ऐसा मटेरियल जिसके पास 2 मीडियम है, ठीक है। ये कैसा हो गया, एक ऐसा ऊपर का मीडियम जिसे हम रेयर मीडियम कह सकते हैं, ये अपना रेयर मीडियम है, ठीक है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने N1 मान लिया, और ये दूसरा वाला है अपना यहाँ पे जो है ये मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, और इसका मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 मान लिया, क्योंकि मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एंड हम लोग को पता है गाइस, ध्यान देना अच्छे से, मान लो ये कोई एक सरफेस है, मैंने पहले ही पार्ट की वीडियो में बताया था कि यहां से अगर कोई लाइट आती है, मैं अच्छे से बना देता हूं, आती है, ठीक है, आ रही है, बुलाया नहीं फिर भी आ रही है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ से अगर कोई भी लाइट सपोज आ रही है, ठीक है, यहाँ से कोई भी लाइट आ रही है, और ये लाइट आने के बाद तो क्या होता क्या है, चली गई क्योंकि बुलाया नहीं था ना, चलो यहाँ पे ध्यान देना अभी क्या होगा। तो यहाँ से लाइट जैसे ही आई ना, तो कुछ यानी सम पार्ट ऑफ लाइट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट्स ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड, वर्ड्स को ध्यान देना, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स जो लाइट्स के होते हैं, कुछ पार्ट्स लाइट्स के क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और कुछ पार्ट्स ऑफ द लाइट गेटिंग रिफ्रैक्टेड, क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड, समझा अच्छे से, इस तरीके से ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन दोनों हुआ है। मतलब एक सिंगल सी लाइट यहाँ पे आई, ठीक है, और ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद वो होती क्या है, कुछ पार्ट लाइट की, हमेशा याद रखना, कुछ पार्ट्स लाइट की हमेशा रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ पार्ट्स लाइट की हमेशा रिफ्रैक्ट हो जाती है, ऐसा हमेशा होता है रियल में। बट अगर हम रिफ्लेक्शन देखें तो हम फिर रिफ्लेक्शन ही सिर्फ फोकस करते हैं, या फिर रिफ्रैक्शन देते तो हम सिर्फ रिफ्रैक्शन में ही सिर्फ फोकस करते हैं, तो ये हम थोड़ा सा फोकस ऐसा करते हैं, बट ये आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से कि अब यही चीज यहां पर भी होगा, कोई भी मान लो अनपोलराइज्ड इंसिडेंट रे आ रही है, अब पार्ट 1 में मैंने बताया था कि रे वगैरह क्या होता है, सब कुछ बता दिया ऑलरेडी। तो अनपोलराइज्ड इंसिडेंट रे यहां से इस तरीके से आ रही है, देखो ध्यान देना, मान लो ये अनपोलराइज है, ऐसा समझो, हाँ क्या थोड़ा सा इमेजिन भी करना पड़ता है ना यार। तो ये अनपोलराइज लाइट है, ये अपना क्या है, प्यारा सा नॉर्मल जिसकी सीधा तंबू जैसे खड़ा रहता है ये, और यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाता है प्लेन के साथ, इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, किधर भी बनाओ 90 डिग्री बनाएगा एंगल, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। इसके साथ जो भी एंगल बनता है उसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, थीटा बी। और जब यहाँ से लाइट आएगी तो सम पार्ट ऑफ द लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट ऑफ द लाइट गेटिंग रिफ्रैक्टेड। तो यहाँ पे ये सीखने मिला, ये ब्रूस्टर ने बताया कि जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है ना, वो भी कैसे रहती है, वो पोलराइज हो जाती है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो भी पोलराइज होती है, बट वो कैसा फुली पोलराइज रहती है। मतलब यहाँ पे ना ऐसे ऐसे करके दिखाया है अनपोलराइज को और डॉट के साथ दिखाया है पोलराइज को, समझ रहे हो ना। मतलब इमेज को समझना इंपॉर्टेंट है ना यार, बस ठीक है। तो जो लाइट, यहाँ पे ध्यान देना, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो पार्शियली कैसे होती है, पोलराइज होती है, पार्शियली पोलराइज होती है। बट जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो फुली पोलराइज होती है, फुल्ली पोलराइज हो जाती है, समझ गया, यही चीज समझना है। तो फिर यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या रहेगा, तो थीटा बी ये अपना इंसिडेंट एंगल है, थीटा आर रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड, ओके, ये एंगल रहेगा। तो चलो फिर इसका हम लोग अब प्रूफ जो है देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। समझो यहाँ पे पहले तो कंसिडर कर लो कि एनी अनपोलराइज लाइट गेटिंग इंसिडेंट ऑन द सरफेस, एनी अनपोलराइज लाइट गेटिंग इंसिडेंट ऑन द सरफेस, आगे दैट अनपोलराइज लाइट पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड, दैट अनपोलराइज लाइट गेटिंग पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने वही इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी किताब में तो बहुत सारा देके रखा है, फोकट में वो सब लिख के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये लिखोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए बोल रहा हूं मैं। आगे बढ़ते, थीटा बी इज द इंसिडेंट रे एंगल, और इसी एंगल को किसने बताया था, ब्रूस्टर ने, इसीलिए हम इसे कभी कभी ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं। ब्रूस्टर साइंटिस्ट का नाम है, कोई नाम दुनिया में ऐसा कोई फंडा नहीं है ये, ठीक है, ये जस्ट साइंटिस्ट का नाम है। और नाम तो हम कैसे भी ले सकते हैं, अपने इंडिया में ही, अपने महाराष्ट्र में पता है ना कैसा नाम होता है। हाँ, अभी मुंबई में सपोज किसी का नाम है पंकज, क्या नाम है, पंकज, तो उसे क्या बोलेंगे, पक्या, हाँ, समझा कि नहीं। तो ऐसे यहाँ नाम होते हैं, तो याद रखो ब्रूस्टर भाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल है यहाँ पे, ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल है तो इसका क्या बन जाएगा, ब्रूस्टर एंगल भी हम इसे कहते हैं, बिकॉज इसे ब्रूस्टर ने सबसे पहले प्रपोज किया था। और थीटा बी यानी कि जो यहाँ से ये एंगल क्रिएट हो रहा है विद द नॉर्मल, यानी कि अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है उसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और यहाँ पे ब्रूस्टर ने उसे प्रपोज किया था पोलराइज लाइट के केस में, इसके लिए इसे हम ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग को पता है ना यार कि अभी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहने दो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहने दो या रिफ्रैक्शन रहने दो, ये दोनों इक्वल होते हैं। और अगर आप रिफ्रैक्शन की बात करो, रिफ्रैक्शन की, ये मैं रिफ्लेक्शन के लिए लिखा हुआ, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। बट जब मैं केस करूंगा इसके लिए, यानी कि मैं रिफ्रैक्शन के लिए बात करूंगा, तो ये हमेशा क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखना, कैसे, ये देखो ये एक प्लेन है, यहाँ से लाइट आई, ये अपना नॉर्मल था ऐसे, यहाँ पे एक एंगल बना, ये लाइट ऐसे गई और ये ऐसे बना, समझा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, इन दोनों को ऐड करोगे मिलेगा 90। अब करके देख लो, और ये हमेशा होता भी है। और कर क्यों नहीं सकते हो, क्योंकि अपने को रियल में पता नहीं ना कि कैसे लाइट आती है, इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा तब पता कर पाओगे। तो इसलिए मेरी बात मान लो ना, प्रैक्टिकल अभी घर में परफॉर्म थोड़ी कर पाओगे। तो आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, समझ रहा है, इस तरीके से आपको ये होता है रिफ्रैक्शन के लिए। तो थीटा बी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हम लोग को पता है ना ये देखो ये क्या है, लॉ जो हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ के बारे में, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि n1/n2 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, क्या पढ़ा था, साइन आई। कुछ कहेंगे बच्चे नहीं, हमने ऐसा नहीं पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने ऐसा पढ़ा था n2/n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो आप कुछ भी पढ़ो दोनों सही है, आपने दोनों सही पढ़ा है, ये दोनों एक दूसरे से सही मिलते, बस n1 n2 को ऊपर नीचे कर दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान देना, तो ये हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन में, हमने इसके पहले प्रूफ भी किया था, जहाँ पे n1 n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और बाकी चीजें जो है अपना इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको ये ला दिया, यहाँ पे थीटा आर के जगह में जो अपने पास थीटा आर है, यहाँ थीटा आर की वैल्यू निकाले, 90 माइनस थीटा बी आएगा, 90 माइनस थीटा बी रख दिया। अब आ गया ट्रिग्नोमेट्री, बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ट्रिग्नोमेट्री में हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ के रखा है, ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन के साथ 90 माइनस थीटा बी, साइन के साथ 90 मीन्स क्या होता है, चेंज होता है, 90 मीन्स चेंज होता है, और साइन चेंज होता है कॉस में, तो कॉस हो जाएगा। और 90 माइनस थीटा फर्स्ट एंगल बनता है, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, वहां पे थीटा बी सीधा एंगल आ जाएगा। तो साइन चेंज होता है कॉस में, 90 रहेगा चेंज, अगर 180 होता तो नो चेंज, 180 होता तो सीधा हम साइन का साइन लिखते, बट यहाँ पे 90 है ना, तो 90 मतलब चेंज होता है, साइन का कॉस में आ जाएगा। और ये थीटा बी जो एंगल है वो छाप देने का, तो ये होता है, जब जिसको मैथ्स भी आता है ना इसीलिए फायदा होता है। इसलिए मैंने कभी भी ऐसा, देखो मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों सब्जेक्ट थे। आजकल के बच्चे बायो एलिमिनेट कर देंगे तो मैथ रखेंगे, मैथ एलिमिनेट करेंगे तो बायो रखेंगे, और यही घाटा होता है कि जब उनको फिर पीसीएम है तो बायोलॉजी का कभी कभी यूज पड़ जाएगा। अभी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ कभी कभार, अगर तो मुझे सारी चीज़ें मालूम होती है, क्या बोल रहा है भाई, सब पता है। और अगर कोई मैथमेटिक्स के पास जा रहा है तो उसको बायोलॉजी के बारे में नहीं पता रहेगा, कोई बायो के पास जाएगा उसे मैथ्स के बारे में नहीं पता रहेगा। और बायो वाले को मैथ्स की ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि मैथ्स वाले को बायो की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बायो जिसको लेना है वो मैथ्स भी लेके चलना चाहिए उसको साथ में। हाँ, एक बार मैथमेटिक्स वाला बायो लेके नहीं चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गया? तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो, तो N1/N2 यहाँ पे आ जाएगा, N1/N2 cos थीटा बी अपॉन साइन थीटा बी, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो N2/ मतलब इनवर्टेंडो। यार ये पूरा जो लिखा है इसको मैंने इनवर्टेंडो करके ये निकाल लिया ना, क्या फर्क पड़ता है। तो tan थीटा बी इज इक्वल टू N2/N1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है tan ना। अब ये भी तो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, साइन अपॉन कॉस tan होता है, ये तो 10th में पढ़ा था, ये तो सबको आएगा। बस ये वाला नहीं पढ़ा था 10th में, तो थोड़ा समझ लेना। 90 मीन्स चेंज होता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस थीटा बी आ गया, समझ गया? इतना याद रखो। चलो, तो tan थीटा बी इजल टू N2/N1। गाइस जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है ना, ये साइन 90 वाला ये ट्रिक है। हाँ, ये कहीं लिखा नहीं तो आप बोल दोगे कहाँ ऐसा लिखा है, बट आंसर तो आपका सही आ रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है। मैंने ट्रिक बनाया है याद करने का। 90 मीन्स चेंज, 90 माइनस थीटा बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 मीन्स चेंज, साइन बदलता है कॉस में, ला दिया सीधे एंगल रख दिया, थीटा बी जो एंगल है थीटा बी एंगल है, साइन कॉस में बदलता है। 90 मीन्स चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस थीटा बी आ गया, याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, यहाँ पे tan होता है ना, तो tan थीटा बी रख दिया और N2/N1। थीटा बी की अगर वैल्यू निकालो तो tan, यहाँ पे थीटा बी इक्वल टू tan इनवर्स N2/N1 आ जाएगा। और यही थीटा बी यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, यही ब्रूस्टर एंगल। अब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आखिर पता ही रहेगा ना। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि कोई भी अगर अनपोलराइज लाइट, ध्यान देना क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कोई भी अगर अनपोलराइज लाइट ट्रेवल करती है तो वो कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। जिस पार्ट में उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है उस पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 1 है, और जिस पार्ट में रिफ्रैक्शन हो रहा है उस पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 2 है, यानी मीडियम का। तो यहाँ पे 1/2 या 2/1 पुट करोगे, tan इनवर्स की वैल्यू निकालोगे और थीटा भी यहाँ पे आ जाएगा। अब लॉग देखने यहाँ पे आपको आना चाहिए, ठीक है। लॉग देखने नहीं आएगा तो फिर से प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। तो ये थीटा बी आपको मिल गया, जो कि थीटा बी क्या है, यहाँ पे अपना ये इंसिडेंट एंगल जिसे हम ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं, और यही है ब्रूस्टर लॉ, यही ब्रूस्टर ने बताया था। ब्रूस्टर ने क्या बताया था कि कोई भी अगर अनपोलराइज लाइट किसी भी प्लेन के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो लाइट जो पोलराइज हो चाहे वो अनपोलराइज हो, वो लाइट का जो एंगल होगा वो थीटा बी कहलाएगा। और दिस एंगल इज गिवन बाय tan इनवर्स N2/N1 वेयर N2 एंड N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स। ओके, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। लास्ट ये कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो यार स्कैटरिंग मतलब क्या होता है मालूम है? ये देखो प्रिज्म, बच्चे वाला, बच्चे लुलुलुलु वाला, ठीक है। यहाँ पे ये है प्रिज्म, यहाँ से ऐसी आई लाइट, एक सिंगल व्हाइट लाइट आई, ये डिस्पर्सन भी आप कह सकते हो, स्कैटरिंग डिस्पर्सन सेम होता है। व्हाइट लाइट आई और यहाँ से सारी की सारी लाइट क्या हो गई, ऐसे स्कैटर हो गई, स्कैटर, ठीक है। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। मतलब सारी की सारी लाइट स्कैटर होना मतलब डिवाइड हो जाना, स्कैटरिंग मीन्स। यानी कि मान लो जब सनलाइट जो होती है स्ट्राइक ऑन द एयर मॉलिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल्स, हवा में एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल या एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनसे जब ये लाइट क्या होती है, स्ट्राइक होती है, टकराती है, तो वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देती है। वो लाइट का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, और इसी को हम स्कैटरिंग कहते हैं। मतलब यहाँ से लाइट जब देखो क्या हुई, टकराई, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो गया। हाँ, लेकिन जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया ये डिस्पर्सन का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है ये, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मींस क्या, डायरेक्शन तो चेंज किया ही बट रिफ्रैक्ट भी हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 7 पार्ट्स में रिफ्रैक्ट भी हुआ है, बट डायरेक्शन चेंज अगर ओनली बात हो रही तो यहाँ से लाइट आएगी और सीधा ऐसा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, समझ गया, अंदर रिफ्रैक्ट नहीं होगी। समझ में आया क्या? तो डिस्पर्शन याद रखना अच्छे से और स्कैटरिंग भी याद रखना अच्छे से। ओके, नाउ हमने ऐसा देखा भी है बहुत बार कि स्काई ब्लू क्यों होता है, हमने सीखा ना स्काई ब्लू, जबकि अपना स्पेस तो ब्लैक है ना, फिर पूरी दुनिया ब्लैक होनी चाहिए ना, फिर ब्लू क्यों है? तो बिकॉज ऑफ दिस स्कैटरिंग एज द ब्लू लाइट इज प्रिफरेंशियली स्कैटर्ड। जो ब्लू अपनी नीली कलर की जो लाइट होती है वो ज़्यादा स्कैटर होती है, और अगर सपोज कोई स्कैटरिंग हुई नहीं तो अपना जो स्काई रहेगा वो ब्लैक दिखेगा। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट को क्या मैं नोट्स बनाऊं यार, ये तो आप खुद ही पढ़ के समझ जाओगे ना। अगर स्कैटरिंग नहीं हुई, ब्लू लाइट का स्कैटरिंग नहीं हुआ, स्कैटरिंग देखो अभी कैसे होता है। मान लो ये एटमॉस्फेयर है, ये बड़ा सा एटमॉस्फेयर है, सपोज मैंने चपाती बना दिया, ये स्मॉल एटमॉस्फेयर है, ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे अंदर डस्ट पार्टिकल है, सारे पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे कोई भी लाइट आ रही है, एक व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट में सारे लाइट्स होती है जिसमें से ब्लू लाइट भी है। यहाँ पे जब लाइट आएगी तो ये क्या होगी, स्कैटर होगी, ये स्कैटर होगी। यहाँ पे मान लो एक पार्टिकल तो इसके स्कैटर होगी, यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे ऐसे स्कैटर होगी, समझ रहे हो? तो ये लाइट हमेशा 24 घंटे एटमॉस्फेयर में स्कैटर होते रहेगी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे स्कैटर होते रहेगी। जब ये स्कैटरिंग हो रही तो मतलब पूरे चारों तरफ दुनिया में हर जगह ईच एंड एवरी प्लेस में हर जगह ब्लू ही ब्लू लाइट दिखाई देगी, तो पूरी दुनिया ही हमें नीली दिखाई देगी, पूरा आकाश ही हमें नीला दिखाई देगा। तो यही बार बार स्कैटरिंग होती है। समझ गया, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन सनलाइट इज स्कैटर्ड इट गेट्स पार्शियली पोलराइज इन अ वे सिमिलर टू द रिफ्लेक्टेड लाइट सीन अबोव, ठीक है, जो कि हमने फिगर में अभी देखा था। जिस तरीके से लाइट आई, जो सनलाइट होती है तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्ट होती है, वही पॉइंट वो बोल रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो पोलराइजेशन है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, जो ब्रूस्टर ने बताया था थीटा बी, इंसिडेंट एंगल के ऊपर वो डिपेंड करता है पोलराइजेशन, जिसे हम ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं। दैट्स इट। तो यही है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो अगर किसी ने पूछा कि स्कैटरिंग के थ्रू जो पोलराइजेशन होता है किसका होता है, तो बता देना कि सनलाइट का होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो बता देना ब्रूस्टर एंगल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं दैट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन of the light incident on the molecules or dust particle and the direction of the scattered light is, या मतलब जो यहाँ पे है ना polarized dependent होती है, जो भी मतलब dependent on the angle, इसका मतलब ये है ना, देखो सिंपल वर्ड बता देता हूँ मैं, ठीक है। एंगल मतलब क्या बोल रहा है वो, कि यहाँ पे जो लाइट आई और यहाँ से कुछ पार्ट जो रिफ्लेक्ट हुई, कुछ पार्ट जो रिफ्लेक्ट हुई, इसके बीच का जो एंगल है ना थीटा बी, वो ब्रूस्टर एंगल है ना, इसी ब्रूस्टर एंगल की वजह से यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है स्कैटरिंग के थ्रू, स्कैटरिंग के थ्रू। ओके, ये बात ध्यान रखना। तो पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जिसे हम यहाँ पे थीटा बी भी कह सकते हैं। समझा, तो ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। दैट्स इट, खत्म कहानी, इतने तो दिया ही हुआ है। ओके, सो बाय गाइज, मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था ये वाला, बहुत ही आसान भी था, बस आपको कम से कम इस वीडियो को 102 बार देखना पड़ेगा। और बहुत अच्छा होगा अगर 3D में रहा तो मैं इसको 3D में दिखाऊंगा कभी ना कभी, डोंट वरी। एक वीडियो डालूंगा मैं इसके ऊपर 3D की, बट अभी तो पॉसिबल नहीं है 3D में बताना, एनिमेशन करने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो मैं इसका एनिमेशन करूँगा, डोंट वरी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा अनपोलराइज पोलराइज का 3D में दिखाना, कैसे पोलराइजर उसको पोलराइज कर रहा है, और मज़ा आएगा। बट आप देख सकते हो किसी में, अगर आप लिखोगे ना, जाओगे कहीं भी यूट्यूब में ही जाओगे और उसमें लिखोगे 3D में पोलराइजेशन अनपोलराइजेशन, तो बहुत अच्छा दिखाया जाएगा। 3D जरूर वर्ड यूज करना, देख लोगे अच्छे से। तो बेल आइकन को जरूर गाइस दबाना, सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करना, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो और नोट्स ले लो। तो मिलेंगे नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।